सरकारी नाले पर भराव डालकर प्लॉटिंग कर दिए जाने के चलते बरसात का सारा पानी गांव की सड़कों पर भर गया, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों द्वारा रोष प्रकट किया जा रहा है। थाना पागबाड़ा की ग्राम पंचायत शाहआलमपुर के स्थानीय निवासियों का कहना है कि मुरादाबाद के एक टीजी ने गांव शाहआलमपुर में किसान की जमीन खरीद कर उसके पास की सरकारी भूमि पर भी कब्जा कर लिया और नाले की जमीन पर भी भराव डालकर नाला बंद कर दिया, जिसके चलते बरसात और बस्ती का सारा पानी सरकारी स्कूल के पास जमा हो चुका है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समय रहते अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो ग्रामीणों द्वारा आंदोलन किया जाएगा। ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि शिकायत करने के बाद भी जिला प्रशासन उनकी गुहार नहीं सुन रहा। गांव की जनता के सामने अब सैकड़ों समस्याएं खड़ी हुई हैं। गंदे पानी के साथ साथ जहरीले जीव जंतु भी पानी में बहकर गांव की सड़कों पर घूम रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई जा रही है। पानी की समस्या है सारी, कहां से आ रही है पानी? खेत डूब रहे हैं, ये खेतों का पानी आता है और ज्ञानपुर की झील तक का पानी आता है। ये और पहले से ही नाला यहाँ से निकला हुआ था। ये राम सिंह टीटी ने जब से ये जगह खरीदी है तब से ये नाला पाट दिया है और जब तब से ही परेशानी हो रही है। क्या मांग करेंगे आप? मांग क्या, इसे नाले को हमारे को खुदना चाहिए ये, और ये खुद जाएगा तो यहाँ की परेशानी दूर। हमारे स्कूल में इसमें पानी जो पहुँचता है वो इसी के जरिए पहुँचता है, जब यहाँ खड़ा हो जाए तो वहाँ पहुँचे स्कूल के अंदर। अच्छा, आपकी तरफ से कोई लिखित शिकायत दी गई है? लिखित शिकायत तो हाँ, पहले पुलिया तोड़ने की दी गई थी, उस समय मतलब निकाला था पानी ये, अब डेढ़ साल से एक साल से इन्होंने फिर मतलब फाट दिया। हम अपने इलेक्शन में लग रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। समस्या ये है कि देखो साहब, ऐसे मैं जानपुर के ये आठ गांवों का पानी, आठ दस बारह गांवों का पानी आता है, और ये कहता हूँ ये इन्होंने सामने इन्होंने इंजन से बंद कर रखा था, और ये जो है ना पानी समय बड़ा पड़ा इलाके में और सबकी खेती मर रही है। क्या होना चाहिए, क्या बात है? ये साहब ये आइए कि मैं वो रास्ता साफ हो जाना चाहिए और ये पानी निकल जाना चाहिए, नाला बन जाना चाहिए। ये हो रही है साहब कि पूरा सिमो तो जंगलात में पानी भरा खड़ा, हमारी 50 रुपये खेती मारी गई और मेहनत हमारा आई संत में नहीं, और अठगमों का पानी आता है साहब यहाँ, और जब हम पानी कटाने के लिए जाते हैं हमारे यहाँ के जंगल जो कि नक्शे में भी सिमो तो हमारा चक्रोट है और सिमो तो नाला भी है पक्का गस्टेड लगाया बना हुआ हमारा सिमो तो चकबंदी के ज़माने का, और जब पानी कटाने ले आते हैं तो साहब झगड़ा करता है, मारता है। कौन झगड़ा करते हैं? टीटी राम सिंह। अब अच्छा, कोई प्रशासन से कोई अधिकारी तो देखने आता है? कोई अधिकारी देखने आता है इधर? काफी शिकायतें कर चुके थे, कोई नहीं आया आज तक भी। आप क्या मांग करोगे? आप हम तो मांग ये करेंगे हमारा नाला साफ पक्का हो जाना चाहिए, हमारी पुलिया बन जानी चाहिए, पानी का रास्ता हमारा हो जाना चाहिए जहाँ हमारा नाला है।